बिहार का छपरा इलाका था, भिखारी चौक। 20 मई को वोटिंग हो रही थी और तभी दो गुटों में संघर्ष हो गया। ये संघर्ष देखते देखते इतना बढ़ गया कि अगले दिन सुबह होते होते खूनी खेल में बदल गया। नारेबाजी और विरोध शुरू हुआ और विवाद फायरिंग तक पहुंचा और फिर छपरा सहम उठा। फायरिंग हुई, गोली लगने से शख्स की मौत हुई। कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है इस पूरे मामले पर। देखिए, एक्शन भी अब लगातार पुलिस का देखने को मिल रहा है। रोहिणी के इलेक्शन एजेंट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। विवाद क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अपडेट क्या है देखिए, इलाके में तनाव बरकरार है, पुलिस भी लगातार एक्शन में है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक चंदन राय के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो विवाद क्यों हुआ ये आपको बताते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड में अब तक क्या क्या हुआ है। लेकिन ये चार तस्वीरें आप देखिए और इससे समझिए कि क्या अब तक हुआ है। बिहार के छपरा में हिंसा हुई, हिंसा में एक्शन तेज हो गया है। किस तरीके से हिंसा हुई, दो जो पार्टी के कार्यकर्ता थे आपस में भिड़ गए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक चंदन राय के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और रोहिणी आचार्य पर हमले को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता और रोहिणी आचार्य के एजेंट, इलेक्शन एजेंट नवल किशोर ने रोहिणी पर हमले का आरोप लगाया है। तो ये पूरा मामला और फायरिंग के बाद तनाव की स्थिति मौके पर हो गई थी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी स्थिति सामान्य है और कार्रवाई लगातार जारी है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशांक, अब तक किस तरीके का एक्शन पुलिस का देखने को मिल रहा है और अभी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, स्थिति अभी तनावपूर्ण है लेकिन अभी नियंत्रण में है और पुलिस तेजी से जांच में जुट गई है और जो घटनास्थल है वहां पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम है रमाकांत और उमाकांत सोलंकी। वहीं मृतक चंदन के पिता ने भी नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था कि सोमवार की शाम जब वो बूथ नंबर 318 पर गई थी तो उन पर जानलेवा हमला किया गया था और रोहिणी आचार्य के आरोप लगाने के बाद उनके इलेक्शन एजेंट नवल किशोर ने यहाँ पर एक लिखित शिकायत दी थी और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। तो अब एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। रोहिणी आचार्य पर जो हमला का मामला है उसमें पुलिस इस मामले में भी जांच में जुटी हुई है और आपको बताते हैं आज दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा जो है वो बंद है। इस मामले में तीन लोगों को गोली लगी थी, जो छपरा में हिंसा हुई उसमें तीन लोगों को गोली लगी थी जिसमें से एक की मौत हो गई है। वहीं मनोज और गुड्डू राय जो है वो पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं और उनका इलाज जो है वो वहां पे चल रहा है। जी ठीक है शशांक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरे मामले के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं, छपरा हिंसा का ये मामला है, एक्शन इसमें तेज हो गया है, पुलिस ने दो आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। इधर जिस व्यक्ति की मौत हुई थी इस पूरे मामले में, मृतक चंदन राय उसका नाम बताया जा रहा है, उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। रोहिणी आचार्य पर हमले को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता और रोहिणी आचार्य के इलेक्शन एजेंट नवल किशोर ने रोहिणी पर हमले का आरोप लगाया। और जब हिंसा छपड़ा में तभी होता है जब राष्ट्रीय जनता दल हारती है। 2005 के पहले का जो खेल लालू परिवार के लोगों ने पहले भी खेला है, राजा संस्कृति ने पहले भी खेला और आज भी छपरा में फिर से उसी माहौल को बनाने का प्रयास किया गया। जो लोग सत्ता के दम पर इस तरह का काम कराने में संलिप्त हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण में 20 मई को बिहार के सारण में वोटिंग हुई। वोटिंग के बीच बूथ पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की हूटिंग से शुरू हुआ तनाव, वोटिंग थमते ही हिंसा में बदल गया। इल्जाम बीजेपी पर लगा और सियासत का बवंडर सीना तान कर खड़ा हो गया। शुरुआत लालू परिवार ने की। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए। बीजेपी साफ हो रही है क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया। जवाब दिया सारण में दो बार से सांसद और रोहिणी आचार्य के खिलाफ इस बार फिर चुनाव लड़ रहे
बीजेपी के हैवीवेट राजीव प्रताप रूड़ी ने। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहां जहां मौका मिला वहां तांडव करते रहे, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े। कैंडिडेट को कोई अगर शिकायत करना हो तो चुनाव आयोग को करेगा, ऑब्जर्वर को करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को करेगा। हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम हथियार लेके मेरे सिपाहियों के साथ हम किसी बूथ में घुस जाएं। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट सारण में विवाद की शुरुआत 20 मई को छपरा के बूथ नंबर 318 319 से हुई, जहां कुछ लोगों ने लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर बूथ कब्जाने की कोशिश का इल्जाम लगाया। इसके बाद पथराव हुआ और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी विवाद से उपजे तनाव का अंजाम अगली सुबह यानी 21 मई को छपरा के भिखारी चौक के पास गोलीकांड बनकर सामने आ गया। अब रोहिणी खुद को निर्दोष बता रही है, बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है। RJD की ओर से आरोपों का अंबार लगाया जा रहा है, लिहाजा NDA ने भी मोर्चा संभाल लिया है। JDU रूल बुक खोलकर सवालों की शक्ल में पूरे लालू परिवार पर संगीन इल्जाम लगा रही है। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं, भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं, इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। नीरज कुमार के आरोपों पर भोला यादव ने जवाब दिया और कानून और नियमों की दुहाई देने लगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। NDA धड़ा तो लालू परिवार के खिलाफ चौतरफा हमलावर है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लालू परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोग हार में हताश हैं। ये चिंताजनक है, चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं, जांच होनी चाहिए। गोलीबारी कांड में सारण में बीजेपी के नेता रमाकांत सिंह सोलंकी पुलिस की गिरफ्त में है। अफसरों ने डेरा डाल लिया है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है, पुलिस सतर्क है और इलाके में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।